बजिए बावेरी। विलासपुर आलियो औ धन्य होई गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वाद ने तुआ सरिया साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम। कन्ने एम श्री बड़ी बड़ी बधाई। हिमाचल के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रंग से रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज, कने थल्ले एम्स होने ऐतिरिक्त पहचान हुई। भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का, विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर
कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था, यहां पैदल टहलते थे, कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है।